और अब हम आगे देखते हैं हमारा जो सबसे पहले हमने कहा था ना कि विमेन के स्टेटस पर बात करनी है। स्मृतिज की वैल्यू बता दी और वैल्यू बताने के बाद अब हम बताते हैं कि ये स्मृतिज 18 स्मृतिज विमेन के बारे में क्या। सबसे पहले हम आपको संतान के बारे में दिखाते हैं कि किसी मनुष्य की शादी है उसकी संतान ना हो, कोई बांझ हो, उसके बारे में स्मृतिज क्या कहती है। पढ़ती है आंगिरी स्मृति है और इसकी वर्ष नंबर 69 और 70 है। आप देख सकते हैं जो स्त्री बांझ हो कि जिसके बच्चे न होते हो उसके यहां भी भोजन करना उचित नहीं है। सबसे पहले क्या सजा देनी है उस बांझ को, उसके यहां खाना नहीं खाना है आपको। यह है इनके रेस्पेक्ट भाई, उसकी क्या गलती है अगर वो बांझ है आप खाना नहीं खाएंगे। उसको तो जरूरत होती है कि उसकी रेस्पेक्ट की जाए, उसका साथ दिया जाए, और आप क्या कर रहे हो, आपने बांझ होने की बुनियाद पर उसका बॉयकॉट कर दिया, उसका खाना भी नहीं खाना। उसकी गलती थोड़ी है उसमें। यदि कोई इसके यहां अगर किसी बंदे को, किसी मनुष्य को, किसी पुरुष को, किसी आदमी को, बेचारे को यह रहम आ गया कि जो औरत बांझ होती है जिसके बच्चे नहीं होते हैं, कि चलो उसके घर खाना खा लेते हैं, उसके साथ बिता लेते हैं, उससे बातचीत कर लेते हैं, तो इन्होंने धमकी दे दी है कि देखो तुमको जहन्नुम में फेंका जाएगा, तुमको नरक में फेंका जाएगा। बिल्कुल बायकॉट करना है बांझ का, इसका बिल्कुल बॉयकॉट करना है और ना इसके साथ खाना खाना है, ना इसके साथ सवारी करनी है, इसका बिल्कुल बॉयकॉट करना है। किसका? बांझ का, जबकि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साग ले चलते हैं आपको दूसरी स्मृति क्या कहते हैं, ये आपके सामने है। आप स्तंभ स्मृति जो है उसके चैप्टर नंबर 9 और वर्ष नंबर 24 में देखिएगा, आप साफ साफ लिख रहा है कि जिस स्त्री के संतान न होती हो उसके पर भोजन ना करे। इन स्त्रियों के घर में अज्ञान से जो मनुष्य खाता है वो मनुष्य पुए नामक नरक में जाता है। जो लड़की बांझ है जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसका इस अंदाज से बॉयकॉट करना है कि उसके घर में नहीं जाना है। प्लस अज्ञान कहते हैं जिस बेचारे को पता ही नहीं कि कोई औरत बांझ है उसके बच्चे नहीं होते। जी हमारे जुल्फकार अशरफ साहब कह रहे हैं कि माइक ठीक नहीं है। जी अब आवाज ठीक आ रही होगी। जी तो बांझ की कोई खता नहीं है भाई, बांझ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके बच्चे नहीं होते, उसकी कोई मुश्किल है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको बॉयकॉट कर दोगे और ये आप धार्मिक नियम बना दोगे कि अगर कोई अज्ञानता से भी, अगर कोई भूल से भी ऐसी लड़की के घर जाता है जिसके बच्चे नहीं होते तो उसको नरक मिलेगी।